हेलो गाइस, मैं आपके आज एक डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ ISPL ट्रायल्स के बारे में कि सिलेक्टर्स क्यों नहीं नोटिस कर रहे, ध्यान दे रहे जितना उन्हें देना चाहिए था और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उन लोग ध्यान दे रहे हैं और जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। मैं भी ये मानता हूँ, बट आपको अपना 100% वहाँ पर देना है। आप यहाँ ये ना देखें कि वो ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन उन लोग नोटिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को इग्नोर कर रहे, नहीं ध्यान दे रहे। क्योंकि मैं जब ट्रायल्स ले गया था वहाँ पे, तो उन्होंने 4 से 5 ऐसे बंदे थे वहाँ पे जिनको सिर्फ 3 बॉल चेक किया, उनका ट्रायल्स देखा और उन्हें हटा दिया और उन्हें बोला कि आपका ट्रायल्स हो गया। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग से और बॉलिंग से भी, ऑलराउंडर थे। तो मेरे सामने की बात है, उन्होंने बहुत ही अच्छे ट्रायल्स दिए तो उन लोगों को हटा दिया गया। तो मेरा कहने का ये है कि आप फर्स्ट 3 बॉल में आप सिलेक्ट हो सकते हो। फर्स्ट 3 बॉल में सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप फोकस्ड हो और आप अच्छे हार्ड टेनिस बॉल के प्लेयर हो, तो आप ज़रूर ट्रायल अटेंड करें और दे। और फर्स्ट 3 बॉल को है जो शॉट पूरी खेलने की कोशिश करे, हार्ड शॉट फुल शॉट खेलने की कोशिश करे। अगर आपके रडार में हो तो आप पूरी पूरी कोशिश करें मारने की और लगभग बाउंड्री मारने की कोशिश करें। ऐसे तो ट्रायल्स नेट पे हो रही है, बट उन लोग अपने अकॉर्डिंग, जो सिलेक्टर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग वो समझ जाएंगे कि एक 4 या 6 है। तो आप बेटर है फुल शॉट खेलने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आप जब आपको 6 बॉल के लिए बैटिंग के लिए आप जाएँ, तो फर्स्टली आप अच्छे से रेडी हो, आप अच्छे से रुके। ये नहीं कि जाते साथ आप खेलना स्टार्ट कर दे, फर्स्ट आप देखे, थोड़ा टाइम ले स्टार्ट होने में, रेडी होने में, उसके बाद आप फर्स्ट बॉल खेलने के बाद आप सेकंड बॉल के लिए भी टाइम ले और अच्छे से सेकंड बॉल को टाइम लेके अच्छे से रेडी होकर फिर खेले। ये नहीं कि आप फर्स्ट बॉल खेला फिर जस्ट सेकंड बॉल खेलने के लिए आ जाए, बिल्कुल नहीं। आप टाइम ले और आराम से खेले बॉल को, और जब आप बॉलिंग करने जाएं तो आप का रनअप ऐसा होना चाहिए कि दिख कर आना चाहिए सिलेक्टर्स को। अगर आप दिख कर आएंगे तो बहुत ही बेस्ट। अगर मान ले आप एक अच्छे तेज़ बॉलर है, फास्ट बॉलर है, तो आपका रनअप भी वैसे ही होना चाहिए। आप एकदम फुल भाग कर आएँ और बिल्कुल, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आवाज़ के साथ आप जब दौड़े तो आपको लगना चाहिए कि आप दौड़ रहे हैं। रनअप आपकी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही तगड़ी रनअप है, सो इसलिए आप उनकी नज़र में बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। तो और दूसरी तीसरी बात, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी ट्रायल्स के लिए आ रहे हैं, 12 साल के, 13 साल के, अंडर 16 के। सो उन लोग को अवॉइड करें और उन लोग के साथ आप ट्रायल ना दें। उन अंपायर वहाँ पे हैं, उनसे बोले कि मैं ट्रायल्स इनके साथ नहीं दे सकता क्योंकि ये अंडर 16 है। आप ना ही उनके बॉल जज कर पाएंगे, ना ही आप उनको बॉलिंग कर पाएंगे सही से। आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप जब वहाँ पे जाए तो उनसे बात करें कि मैं अगर बच्चा हूँ वहाँ पे तो मैं उनके साथ ट्रायल्स नहीं दे सकता। और तीसरी बात, आप अपना 100% वहाँ पे देने की कोशिश करें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि सिलेक्टर्स क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे। मैं मानता हूँ कि उन लोग उतना नोट नहीं कर रहे हैं, बट आप अपना 100% देने की वहाँ पे कोशिश करें और जितना हो सके उतना फोकस्ड रहें वहाँ पे और पूरी अच्छे से जी जान लगा कर दे। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ तक कि लेदर से भी ज़्यादा यहाँ कंपटीशन है इस हार्ड टेनिस में। सो आप बेटर होगा कि आप फोकस्ड रहें और आराम से ट्रायल दे जाके, कोई पैनिक नहीं करना है और आराम से अटेंड करें। और जिन्होंने ट्रायल दे दिया है, जिन्होंने ट्रायल दे दिया है वो भी पैनिक ना हो। अगर उनका अच्छा ट्रायल्स गया है
तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उन सिलेक्टर्स के नज़र में आए होंगे। अगर उनके पास कोई स्किल्स होगी ऐसी जो यूनिक हो और सब प्लेयर से अच्छा बनाता हो उनको, तो ज़रूर उनको सिलेक्शन सिलेक्ट किया जाएगा। आप लोग पैनिक ना हो। और तीसरी बात, मैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं प्लेयर्स, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो देखकर जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है वो रजिस्टर्ड कर लें। होप कि मैं आपको गाइड कर पाया और हेल्प कर पाया हूँ। सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।